नमस्ते चिल्ड्रंस, स्वागत है आपका आज की हिंदी विषय क्लास में। इकाई नंबर 4, कठिनी और करनी, इसका साहित्य प्रकार है निबंध। चिल्ड्रंस, इस निबंध को समझने से पहले हम थोड़ा सा विषय प्रवेश देख लेते हैं। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। दूसरों को अच्छी बातें सिखाना बहुत आसान है, परंतु खुद उन बातों को अपनाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को धूम्रपान करने की सीख देने वाले प्रायः स्वयं धूम्रपान करते हैं। दूसरों को कतार में खड़ा रखने की शिक्षा देने वाले स्वयं कतार में नहीं खड़े रहते। अपने बच्चों को सच बोलने का उपदेश देने वाले स्वयं झूठ बोलते हैं। इस पाठ में कथनी और करनी का अंतर बताने वाले कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसे हम समझें। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क लगाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों को आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पत्ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने देखा कि तख्ती लगाने वाले सज्जन जल्दी जल्दी फूल तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठे सिगरेट जलाई और पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर सिगरेट बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने 20 सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। सज्जन ने कहा, आपने इसे मना नहीं किया? दुकानदार ने कहा, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आदर्श की बातें कहते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से बाहर जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था।
उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्रा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई अपना उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों में जाकर ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए। बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार बोलने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रख हो। कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान।